नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ दानिश अज़हर खान और आप देख रहे हैं बीएनसी न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम द डीआरके शो। और आज हम बात करने वाले इसके एक विशेष अंक की हम बात करेंगे, लड़की हो कर सकती हो। महिलाएं देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। इस बार का अगर आप सभी बोर्ड के पूरे देश के रिजल्ट उठा के देखेंगे तो लड़कियों ने काफ़ी ग्रोथ की है, और ख़ास तौर एक आंकड़े के हिसाब से, क्योंकि 2024 प्रवेश करते ही गवर्नमेंट अपने एक आंकड़ा जारी करती है कि इस साल कौन से पर्सन ने कितना ग्रोथ किया है, तो महिलाओं ने बाजी मारी है। पहले ऐसा होता था कि महिलाओं को बाहर निकलना भी, महिलाओं को रोड पे चलना भी काफ़ी दुश्वार का हो जाता था, लेकिन सरकार ने कुछ पहल की है और कुछ हम लोग भी जागरूक हुए हैं। शिक्षा हमारी ऐसी हो गई है कि अब हम जो है महिलाओं को भी एक पुरुष जैसा ही अधिकार देने लगे हैं। तो आज हम बात करेंगे मेरा संघर्ष, मेरी कहानी, मेरी पहचान। गाँव की महिलाएं सूरज निकलने के पहले ही उठ जाती हैं, अपने परिवार की देखभाल में पूरा दिन पूरी रात लगी रहती हैं, खेतों में काम करती हैं, घर का काम करती हैं और बच्चों को पालती हैं। उनकी जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी होती है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान होती है। अपने परिवार के लिए वो हमेशा त्याग करती हैं, हर काम को पूरी लगन से करती हैं। उन्हें अपने हकों के बारे में बहुत कम पता है, उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी बस इतनी ही है। अब वक्त बदल रहा है, गांवों में जागरूकता आ रही है, महिलाएं अपने हकों को समझ रही हैं, वे अपने सपनों को पहचान रही हैं। एक नई सुबह की शुरुआत हो रही है। महिला अधिकार मंच एक ऐसी ही किरण है जो गांवों में नई रोशनी ला रही है। यह मंच महिलाओं को उनके हकों के बारे में बताता है, उन्हें शिक्षित करता है, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित करता है। मंच का उद्देश्य है कि हर महिला अपने फैसले खुद ले सके, समाज में उसे इज्जत मिले। मंच की सदस्य गांव-गांव जाती हैं, वे महिलाओं से मिलती हैं, उनकी समस्याओं को समझती हैं, उन्हें उनके हकों के बारे में बताती हैं। महिलाओं को कानूनी मदद भी दी जाती है, उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। महिला अधिकार मंच महिलाओं को अलग अलग तरह के स्किल्स सिखाता है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अचार बनाना जैसे कई काम सिखाए जाते हैं। महिलाएं इन स्किल्स को सीखकर आत्मनिर्भर बन रही हैं, वे अपने घर से ही काम करके पैसे कमा रही हैं, इससे उनका आत्मविश्वास विराज रहा है। स्किल सीखने से महिलाओं को आर्थिक आजादी मिल रही है, वे अपने परिवार की मदद कर पा रही हैं, इससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। महिलाएं अब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रही हैं, वे अपनी सेहत का भी ध्यान रख पा रही हैं। महिला सशक्तिकरण प्रगति का पथ। महिला सशक्तिकरण देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। जब महिलाएं पढ़ी ही लिखी और आत्मनिर्भर होती हैं, तो पूरा समाज तरक्की करता है। महिलाओं को अपने हकों के प्रति जागरूक होना चाहिए, उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का हकू है। हमें ऐसी संस्थाओं का समर्थन करना चाहिए जो महिलाओं को सशक्त बनाने का काम कर रही हैं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर महिला सशक्त और सम्मानित हो। नमस्कार, मैं ज्योति सिंह, फाउंडर ऑफ महिला अधिकार मंच। महिला अधिकार मंच का उद्देश्य महिला उत्थान, महिला सुरक्षा, महिला विकास, महिला आत्मनिर्भरता, पवित्र उद्देश्य निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से समाज में सेवा देना है। ऐसी महिलाएं जिनमें प्रतिभा तो बहुत होती है पर उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण कहीं ना कहीं उनकी प्रतिभा छुप जाती है, यही प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहा है महिला अधिकार मंच। मेरा अस्तित्व, मेरी पहचान सीजन 1, क्या आपको पता है उनकी संघर्ष से सफलता का राज, जिन्होंने समाज की कुरूतियों रूढ़ियों का विरोध किया और अपनी मेहनत और बलबूते पर अपनी एक पहचान बनाई है, सफलता प्राप्त की है। मिलिए ऐसी नायिकाओं से जो समाज की हर मुश्किलों को पार करके अपने एक ओहदे पर पहुंची हैं। मैं ज्योति सिंह ऐसी नायिकाओं का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करती हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नेहा भगत जो कि बुरहानपुर से हूं, आजकल भोपाल में रहकर ऑनलाइन सेशन लेती हूं मेंटल हेल्थ पर। मेरा सभी महिलाओं से एक छोटा सा अनुरोध है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करिए, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी माध्यम हो उससे सीखने का प्रयास कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए
और इन्हीं सभी प्रयासों को उड़ान देने का काम कर रहा है हमारा महिला अधिकार मंच, जो एक अनूठा प्रयास करने जा रहा है, तो उसमें सहयोग दीजिए। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। पहचान और ये हम बात करने के साथ में हमारे साथ में बुरहानपुर से तीन ऐसी महिलाएं जुड़ेगी जिन्होंने अपनी स्टोरी शुरुआत को बहुत ही बोल सकते हैं कि डाउन से की थी, लेकिन आज वे एक समाज सामने आईना बन के उभरी है, समाज उनको पूछता है और हम बोल सकते हैं कि समाज के अंदर एक अच्छे नाम से वो तीनों ही महिलाएं जानी जाती है। तो पहले मैं आपको परिचय कराना चाहूँगा। हमारे साथ में बुरहानपुर से जुड़ी है दीपिका शाह जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हमारे साथ में आप जो है प्रवृत्ति सोनी जी है, ये एक आकृति योगा सेंटर चलाती है, काफ़ी इन्होंने भी गुरु किया। नमस्कार। हमारे साथ में अब जो है दीपिका सोनी जी है, काफ़ी हिंदी में जो स्टोरी है हम आपको आगे दिखाएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नमस्कार दीपिका सोनी जी। चलिए तो आपने इनसे हमने आपसे परिचय करा दिया है, अब हम बात करेंगे। पहले हमारे साथ में स्क्रीन के अंदर आप देख रहे हैं दीपिका शाह जी, आपको स्क्रीन में ऊपर देख रहे होंगे। दीपिका शाह जी से हम बात करेंगे। दीपिका जी, क्या आपके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए और किस तरीके से आपने अपनी शुरुआत की थी, तो पहला 50 सेकंड मैं आपको देता हूँ जी। नमस्कार, मेरा नाम दीपिका शाह है और ऐतिहासिक नगरी से मैंने शुरुआत की अपनी लाइफ की। बाय बैकग्राउंड अगर मैं बताऊँ तो बाय बैकग्राउंड जो एक सिंगल महिला होती है जो सोचती है कि बच्चों को केयर करना है, फैमिली को देखना है, ऐसे में शुरुआत ही छोटे छोटे कामों से किया मैंने, जैसे पार्लर चलाना, मेहंदी क्लासेस, बच्चों को घर बैठे ही पढ़ाना, क्योंकि मुझे कुछ करना था लाइफ में, तो ऐसे में बाय बैकग्राउंड से आती हूँ। और जब हम बच्चों की टेक केयर करते, परिवार का ज़्यादा ध्यान देते तो अपनी और ध्यान कम देते, अपने शरीर की ओर ध्यान कम देते। सेम मेरे साथ भी सारी महिलाओं जैसा ही हुआ और दो बार सिजरिंग की वजह से मेरा वजन काफ़ी बढ़ा। वजन के साथ आपने देखा है कि महिलाओं को जब भी सिजरिंग वजन बढ़ता है तो इंटरनली बहुत सारी फिजिकल उनको प्रॉब्लम होने लगती है, घुटनों में दर्द होना, थकान होना, घबराहट होना, ज़्यादा चलते थे तो सांस रुकती थी, ऐसा मेरे साथ भी होने लगा। लेकिन साथ में मुझे बहुत मेजर एसिडिटी और धीरे धीरे वो माइग्रेन का रूप लेने लगा और ऐसे में शरीर से लेकर परेशान हुई और एक कम्युनिटी से जुड़ी मैं, तो जहाँ पे बताया जा रहा था कि हम अच्छे कैसे रह सकते, कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते, जैसे अपना वजन कम कर सकते, और मैं हर्बल एक कम्युनिटी से जुड़ी आज से 2012 में, और वहाँ से मेरी लाइफ की शुरुआत हुई, मेरी जर्नी शुरू हुई। उस न्यूट्रिशन के थ्रू मैंने अपना वजन कम किया 20 किलो और धीरे धीरे जब मेरा वजन कम हुआ मुझे लगा कि मेरी जैसी बहुत सारी महिलाएं जिनको इस ऐसे मेरी तरह परेशान हो रही है, तो मैंने 2013 में बुरहानपुर में आके इस न्यूट्रिशन के साथ में एक न्यूट्रिशन सेंटर का स्टार्ट किया और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। और 2013 से लेकर 2024 तक मैं कंटिन्यू काफ़ी सारे लोगों की मदद कर रही हूँ। हाँ, शुरुआत में जब भी हम कोई चीज़ शुरू करते हैं या महिलाएं तो हमें बाहर की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, लेकिन शुरुआत में संघर्ष किया, बहुत सारे लोगों तक पहुँचे, घर घर जाकर लोगों को बताया, धीरे धीरे शुरुआत हुई और आज 2024 तक हम काफ़ी सारे लोगों को टच कर पा रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों की सेहत में चेंज ला पा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दीपिका शाह जी थी ये, काफ़ी इन्होंने इनके बारे में हम आपको आगे और बताएंगे, काफ़ी इनकी भी लाइफ से जुड़े अलग अलग किस्से हैं, लेकिन उससे पहले क्योंकि समय की पाबंदी के हिसाब से अब हम बात करेंगे। प्रोन्नति सोनी जी हमारे साथ में जुड़ी है बुरहानपुर से, आकृति योगा सेंटर ये चलाती है। मैडम, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, कहाँ से आपने शुरुआत की और आज यहाँ पर कैसे पहुँचे, पहले आप अपना थोड़ा सा परिचय बताइए। नमस्ते, मेरा नाम प्रोन्नति सोनी है। मेरे इस कार्य की शुरुआत 1998 से शुरू हुई है। मेरी शादी के बाद मैं इंदौर शिफ्ट थी, तब मैंने वहाँ पे पढ़ी लिखी थी तो मेरे को एक स्कूल में काफ़ी अच्छी जॉब मिल गई, लेकिन 2 साल जॉब करने के बाद कुछ पारिवारिक स्थिति और आर्थिक स्थिति ख़राब होने की वजह से मुझको और मेरे हस्बैंड को यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा, और यहाँ आने के बाद मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे तो मैं बाहर जॉब नहीं कर सकती थी, तो मैंने सोचा क्या करना चाहिए, क्योंकि स्थिति आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो दैनिक कार्य को घर को चलाने के लिए सिर्फ इनकी कमाई पूरी नहीं हो पाती थी, तो मुझे भी कुछ करना था, तो मैंने एक छोटे से टिफ़िन सेंटर से अपनी शुरुआत की है 2006 में, और धीरे धीरे ये टिफ़िन सेंटर मेरा 2013 तक चला,
और काफ़ी अच्छे पैमाने पे ये कब कहाँ कैसे बढ़ता चला गया मुझे भी नहीं पता। और मैंने 2013 तक कई हज़ारों लोगों को भोजन की व्यवस्थाएं दी है। उसके बाद 2011 में मैंने गायत्री परिवार से नेचुरोपैथी एंड योगा में डिप्लोमा लेके भोपाल यूनिवर्सिटी से डिग्री ली। और उस टाइम से मैंने जो अपने योग कार्य की शुरुआत करी, जो एक छोटे से अपने घर के रूम से स्टार्ट किया था दो जनों को लेके, और धीरे धीरे ये कार्य बढ़ते हुए आज यहाँ तक पहुँचा है। मानसिक रूप से मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुकी थी, तो जब मैंने अपने आप में परिवर्तन देखा तो मुझे लगा कि क्यों ना ये सेवा मैं शुरुआत करूं और कई लोगों को मानसिक और शारीरिक और आर्थिक रूप से भी इससे स्वस्थ कर पाऊं। ये काफ़ी अच्छी सेवाएं आप दे रही है, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया है सेवा देना उद्देश्य एक होता है कि ताकि समाज में सुधार हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे हमारे से बात करने के लिए। अब हमारे साथ में जुड़ रही है दीपिका सोनी जी। दीपिका सोनी जी भी बुरहानपुर से ही बिलोंग करती है। मैम, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, आपने कैसे शुरुआत की, फिर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी नमस्कार, मेरा नाम दीपिका सोनी है, बुरहानपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरी शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी कि छोटी सी प्राइवेट स्कूल से मैंने टीचिंग में स्टार्ट करी। टीचिंग लाइफ से स्टार्ट हुआ, रिजल्ट ये था कि मैं परमिशन नहीं थी कि मुझे दूर जाकर कुछ करना है या तो कुछ पढ़ा करना है। जो आसपास स्कूल मिली जहाँ से मैं थोड़ी सी अपने बच्चों को ध्यान रखते हुए अपनी शुरुआत कर सकती थी, कि उस वक्त मेरा बेबी काफ़ी छोटा था। 2013-14 की करीब की बात है, मेरा बेबी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो मुझे उसको भी देखना था और काम भी करना था। बस इसी को ध्यान में रखते हुए मैं छोटी सी एक्सपीशन शुरुआत करी, जिसकी एक टाइम लिमिट थी, तो जाने के पहले थी और आने के बाद मैं अपने परिवार को पूरा टाइम दे पा रही थी। जब बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो मुझे लगा कि अब अर्निंग की सोर्सेज भी बढ़ाने होंगे, क्योंकि दोनों की जवाबदारी थी और साथ ही अब काम भी कुछ थोड़ा सा ऐसा देखना होगा जिससे मेंटली भी मैं खुश रह सकूँ, जिससे मुझे खुशी मिले। टीचिंग जो शुरुआत हुई थी वो मेरी एक जरूरत थी, लेकिन जब एक चॉइस की बात आई तो मेरी चॉइस थी कि मैं पुलिस लाइन में जाऊँ और एक गवर्नमेंट जॉब करूँ और बहुत अच्छा जीवन मेरा रहे। लेकिन ये प्लानिंग मेरी तब सक्सेस नहीं हो पाई जब डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट ट्रीटमेंट नहीं दिया, क्योंकि मेरे 3 ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुके थे, तो उस दौरान मुझे बेड रेस्ट से कहा गया था। फिर मुझे नहीं लगा कि मैं थोड़ा सा ऐसे शुरू करती हूँ, तो मैंने एक योगा टीचर ऐसे योगा टीचर स्टार्ट किया। फिर चूंकि बचपन से मेरा स्पोर्ट्स रहा है, मेरा मार्शल आर्ट के साथ थोड़ा एथलेटिक रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि अब इसमें मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ, शायद बॉडी सपोर्ट कर जाए। जैसे बॉडी ने सपोर्ट किया तो मैंने ऐसे स्पोर्ट टीचर प्लस योगा टीचर काम करना शुरू किया। साथ ही मार्शल आर्ट को जब मैंने 2 नज़रिए से देखा कि एक तो यहाँ डिमांड है लेकिन कोई लेडी कोच नहीं है, और मेरे होने से शायद कुछ बालिकाओं में काफ़ी सपोर्ट हो सकता है, वो अपनी आत्मसुरक्षा के लायक बन पाए शायद मेरे थोड़े से सहयोग से, तो मैंने वो करना एक निर्णय लिया। और उसी के चलते मैंने एज अ मार्शल आर्ट ट्रेनर भी काम किया। एक समय था कि धीरे धीरे मुझे एक स्कूल से और अब मैं पूरा बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट देख। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, आप एक छोटी सी जगह से उठकर आज बुरहानपुर कवर करती हैं। हम दर्शकों को बताना चाहिए, तीनों महिलाओं के अंदर हमने एक चीज़ यहाँ पे गौर की है कि तीनों जो महिलाओं ने योगा, जिसको हम बोल सकते हैं जो भी, क्योंकि मार्शल आर्ट होती है, जो भी इन लोगों ने शुरुआत की है, पहले इन्होंने अपने खुद के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि मेरा भी वज़न कम था, मेरा वज़न ज़्यादा था, मैं फिटनेस होना चाहती थी, फिर मैं योगा के दुनिया में आई, लेकिन आज ये खुद एक योगा टीचर बन के अब लोगों को अपना स्टूडेंट बनाते हैं, ये हमने देखा है। चलिए हम बात करेंगे दीपिका शाह जी से। मैम, अपनी लाइफ का वो किस्सा बताइए जहाँ पर आपको, क्योंकि हमेशा ऐसा हमने देखा है कि इंसान के पास पैसा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, कठिनाई आती है, समाज वाले बहुत ज़्यादा कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियाँ करते हैं, परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो आपने इस कंडीशन में, आपके साथ भी क्योंकि ऐसा कुछ हुआ होगा, आप ये बताइए। जी देखिए राकेश जी, जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं और अक्सर महिलाएं जब करती है तो शुरुआत में करने के लिए जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें घर से ही परमिशन लेने के लिए या घर का सपोर्ट थोड़ा सा लो रहता है। मेरे साथ भी ऐसा था, बिकॉज मेरी बहुत छोटी बच्ची थी, मेरी 2.5 साल की बेटी थी जब मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया और कुछ करने का निश्चय किया, कुछ मिशन आपने दिया। जब मैंने स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो लोगों तक इस मिशन को पहुंचाने में भी मुझे बहुत परेशानी हुई, लोग समझते नहीं थे, हेल्थ तक को इतना ध्यान नहीं देते थे, तो वो एक अलग परेशानी थी। फैमिली के चलते कुछ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, थोड़ा डिस्टर्ब थी फैमिली की वजह से भी मैं
जिस मेरे सपने काफी बड़े थे पहले से कि मुझे कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है, तो मुझे मिशन नजर आया। जब शुरुआत हुई तो बहुत टफ हुआ, लोगों ने भी इसके लिए बहुत मतलब आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, अरे ये सब चीजें नहीं होंगी, ये अच्छा नहीं है, इससे ऐसा होगा, ऐसे लोगों के कुछ व्यू आए समाज में। जब हम कुछ करने गए तो अरे ये काम आगे नहीं बढ़ेगा, ये नहीं होगा आगे, ये भी हमने समस्या फेस की। ट्रैवलिंग में थोड़ा सा डिस्टर्ब पहले से था स्टार्टिंग से, जब शादी हुई 2005 में, तो थोड़ा सा फैमिली के चलते भी थोड़ा परेशान थी, लेकिन मैंने सोचा धीरे धीरे हालत चेंज होंगे, जब घर में पैसा आने लगेगा कुछ अच्छा काम करूंगी। तो ऐसे करते करते मैंने कुछ समय निकाला, समय निकलता चला गया 2012 से 2019। लेकिन कभी ऐसा बोलते हैं कि समय भी चेंज होता है, मेरे साथ भी लाइफ में 3 साल कंटिन्यू एक ऐसा टर्न पॉइंट आया जहाँ पे मेरी लाइफ बहुत 90 डिग्री से चेंज हुई। 2019 में सबसे पहले तो मैं फिजिकली परेशान हुई, मुझे थोड़ा कुछ मेजर काम में प्रॉब्लम था, तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा छोटा सा ऑपरेशन होगा, मैंने वो ऑपरेशन करवाया। बट अनफॉर्चुनेटली वो डॉक्टर भी काफ़ी सीनियर थे, लेकिन ऑपरेशन करते हुए मेरी एक नर्व डैमेज हो गई, और जब वो नर्व डैमेज हुई था, आपको मैं बताऊँ, आपने भी कल्पना नहीं की होगी, मैंने भी कल्पना नहीं की थी, जब वो नर्व डैमेज हुई तो हमारे आधे फेस को एक्टिवेट करती है, उसको बोलते हैं हमारे आधे फेस को, तो वो मुझे बेल पैल्सी हो गए, एक तरह का पैरालाइज हो गया, और मेरी एक आम मेरा फेस पूरी तरह से डेड हो गया। 2019 से 2020 तक मैं एक तरह से डिप्रेशन में चली गई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। धीरे धीरे लेकिन मुझे होप थी क्योंकि मैं एक अच्छी संस्था से जुड़ी थी, काफ़ी सारे लोगों का बेसिक था, तो वहाँ से मैं निकल के धीरे धीरे मैंने अपने माइंड सेट को पूरा माइंड सेट मैंने बताया कि नहीं मुझे इसमें से निकलना है, फिजिकली पूरी तरह से अच्छा होना है। लेकिन जब मेरा फिजिकल हेल्थ खराब हुआ, मेरे डॉक्टर की वजह से जो मुझे पैरालाइज हुआ, वहाँ मुझे बहुत पैसा लगा, जहाँ मुझे मेरी पर्सनल फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, और मुझे इस तरह से देखा जा रहा था जैसे मैं बहुत बीमार, कोई एक हिस्सा खराब हो चुका है। जब मैंने महसूस किया कि आज के समय में हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, फैमिली का साथ होना ज़रूरी है, फिर मैंने वहाँ से निश्चय किया। 2020-21 जब कोरोना के टफ समय में लोग परेशान थे, वहाँ अपनी फिजिकल से लड़ी, बाहर निकली, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिजिकल अच्छे करते करते मेरी फैमिली उससे दूर होती चली गई, जहाँ उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। 2021 में मेरे साथ फिर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, जहाँ मेरी पूरी फैमिली में 4 लोग एक साथ एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, जहाँ मेरी मम्मी, 2 मासियाँ, मामा जी, वो एक मेरे लिए बहुत टफ टाइम था। एंड तीसरे साल में फाइनली मैं सिंगल मदर होने का मैंने डिसीजन लिया, मेरे पास 2 बच्चे थे, अब मेरा बेटा 18 साल का है, मेरी बेटी 14 साल की है। मैंने वहाँ डिसीजन लिया 2022 में कि ठीक है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, तो मैंने कुछ हिस्से को अपने से छोड़ा और आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। वहाँ से मैंने सारे 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मैंने कभी पीछे पलट के 2022 के बाद देखा नहीं। मुझे मेरे जो संस्था के सारे सीनियर थे उन्होंने सपोर्ट किया, और वहाँ से धीरे धीरे मैंने एक मिशन को हाथ में लिया कि मैं अपने 2 बच्चों को देखते हुए बहुत सारे लोगों की सेहत में सुधार लाऊंगी और उनको आत्मनिर्भर बनाऊंगी, क्योंकि हम बहुत सारी महिलाओं को घर बैठे काम करने का मौका देते हैं। मैंने वो भी मिशन हाथ में लेकर आज मेरे साथ में कम से कम 50 से 60 महिलाएं मेरे जैसा काम करती है, उनको भी हमने आत्मनिर्भर बनाया, सेहत में अच्छा किया, धीरे धीरे मेरी सेहत में भी सुधार आया। आज की तारीख में मैं सेहत से काफ़ी अंदर से अच्छा महसूस करती हूँ, समाज में भी मुझे अच्छा गर्व महसूस होता है, और मेरे साथ जितनी भी फैमिली वाले उनका ब्लेसिंग है, 2 बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही हूँ, मेरा एक बेटा अभी इंदौर में पढ़ाई कर रहा है, बेटी को भी मैंने हॉस्टलाइज एक सेफ जोन में उसे नासिक में शिफ्ट किया है। सो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सबसे पहले तो आपका एक गोल होना चाहिए लाइफ में, अगर आपका गोल है कि आपको कुछ करना है, जब उस गोल के लिए आप काम करते हैं तो कुछ सारी कायनात आपका सपोर्ट करती है, और जब आप बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं नेचर ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है। ऐसे अच्छे विचार के साथ में आज के समय में काफ़ी सारे लोगों को मदद भी करी है, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक अच्छे संस्था से जुड़ी हूँ और काफ़ी सारे लोगों से एवरीडे मिलकर उनको खुशियाँ देने की कोशिश करती हूँ, जुम्बा करवाती हूँ, बहुत इंजॉयमेंट होता है, लोग अपना दर्द भूल के, अपना टेंशन भूल के यहाँ आकर वो फ्री माइंड से इंजॉय करते हैं, और एक अच्छी न्यूट्रिशन के साथ में अपने सेहत में कुछ सुधार लाते हैं। तो मैं आज के समय में काफ़ी अपने आप को एक फॉर्चुनेट महसूस करती हूँ, और कहीं ना कहीं हमें सारी महिलाओं को हारना नहीं,
आपका एक गोल अगर है, आप एक मिशन पर है और आपने ठान लिया तो आप सारी कायनात से लड़ सकते हो और अपनी खुद की लाइफ को चेंज करके बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज ला सकते हो। थैंक यू सो मच। दीपिका शाह जी, आपने अपनी कहानी बताई है, बड़ी सीखने वाली कहानी है कि इतने परिवार का आपको सपोर्ट नहीं मिला, उसके बाद में भी आप समाज के अंदर एक आईना बन के उभरी है, सर्वाइव कर पाई है, क्योंकि कोरोना काल में इस बीच पूरे देश की नहीं पूरी दुनिया के लिए हो रहा है, कोरोना काल में आपने अपने आप को कैसा महसूस किया तो उस समय? जब कोरोना के समय में सारी दुनिया जब अंदर पैक थी और मैं फेस को लेकर जब परेशान थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, हम जरूर आप मेरी फोटो भी दिखाऊंगी, ये आप और ये फेस पूरी तरह से बंद था, पूरा मुझे पैरालाइज था, जहाँ मुझे एक आँख 24 घंटे खुली रहती थी, मुझे टेप लगाना होता था, वो सारी चीज़ें जब बाहर लोग अलग तरीके से लड़ रहे थे, मैं अपने आप से लड़ रही थी। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि ऐसे फेस को लेकर मैं लोगों को कैसे फेस करूँगी, मैं तो लोगों को अच्छा कर रहा था, लेकिन एक डॉक्टर की गलती की वजह से मुझे वो फेस करना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा बोलते जब आप अच्छे काम करते तो लोगों का ब्लेसिंग आपके साथ होता है, कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है मेरे साथ में, लेकिन उनका वो ब्लेसिंग था और उन ब्लेसिंग के साथ में जब मैंने अपना माइंड सेट किया कि कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमने बहुत सारी महिलाओं को और बहुत सारी बाहर ऐसी स्टोरी सुनी है जो कहीं ना कहीं किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी की लाइफ में वो अकेले, दुनिया में उनका कोई नहीं, ऐसा सोच के मैंने अपने आप को फिर से खड़ा किया। 2020 और 21 में मैंने योगा स्टार्ट किया, घर से बाहर जाने का जब अभी कोरोना में नहीं था, तो छत पे जाकर बहुत समय तक, लंबे समय तक मैं प्राणायाम करती थी, मेडिटेशन करती थी, जो मुझे कुछ एक्सरसाइज थी वो मैं डीपली एक्सरसाइज करती थी, हमारे अच्छे न्यूट्रिशन हर्बल के थे वो मैंने लिए और अपने आत्मविश्वास को जगा के रखा कि मुझे इससे बाहर निकलना। वो जब हम इस कोरोना में थे तब मेरी फैमिली भी नहीं थी मेरे साथ में, पेरेंट्स तो थे बट फैमिली भी नहीं थी, दो बच्चे और मैं, और हम लोग इस तरह से अंदर अपने आप से लड़ रहे थे और वो टफ समय था, पर वो टफ समय भी निकल गया और उस टफ समय में मैंने अपने देश में थोड़ा इम्प्रूव लाया। जब मैं बाहर 2022 से निकली तो मैंने इस काम को फिर से पूरा शिद्दत के साथ और 100% स्टार्ट किया और करती जा रही हूँ, करती रहूँगी लास्ट मोमेंट तक, आखिरी सांस तक मुझे लोगों को मदद करना है, अपनी सेहत में सुधार लाना। मैं बोल सकते हैं कि आपको आपके आत्मविश्वास और योगा ने ही आज के समाज में पेश किया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज के समय में हम महिलाएं कहीं ना कहीं बिजी रहती है और हमें ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया हमारा परिवार है, ऑफकोर्स हमारी दुनिया हमारा परिवार है, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आप अच्छे हो, तो आप अपनी फैमिली का ध्यान रख सकते हो और समाज में भी एक जब भी आप कहीं जाते हो, स्वस्थ इंसान हर जगह पार्टिसिपेट कर सकता है, हर जगह वो इन्वॉल्व हो सकता है, अगर आपकी सेहत खराब है तो आप कुछ करना भी चाहते हैं तो आप कर नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो आपका माइंड सेट, आपका पॉजिटिव माइंड सेट होना आपके साथ बहुत जरूरी है और एक लाइफ में गोल, आप क्या करना चाहते थे पहले, लेकिन अगर आप उस बिजी शेड्यूल में आप नहीं कर पा रहे तो आप उसको फिर से उस गोल को सामने रखिए, जब वो गोल सामने रहेगा फिर आपको लगेगा कि हाँ मुझे करना है, धीरे 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 जब आप अपना माइंड सेट पॉजिटिव माइंड सेट करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं सारे लोग आकर भी उसमें आपको हेल्प करते हैं और आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपिका शाह जी, हमसे बात करने के लिए योगा की, क्योंकि दीपिका शाह जी की जो लाइफ में की जो कहानी भी, योगा एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और योगा सिखाने वाली ऐसी एक मास्टर हमारे साथ में परिणीति जी है। मैम आप अपने बारे में बताइए, कौन सा सा कठिन पल था आपकी जो कि योगा आपने विस्तार कर रखे, क्या क्या आपको कठिनाई आई, क्योंकि आप भी एक महिला है और महिला को जिस तरीके से अभी हमने दीपिका शाह जी की कहानी सुनी है, बहुत सारी दिक्कतें समाज का बुराई भी उठाना पड़ती है, परिवार से भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आपकी लाइफ में ऐसा क्या कुछ सफल रहा है आप बताइए। देखिए दानिश जी, मेरे जीवन में भी एक ऐसा पल आया था जब मैं टिफ़िन सेंटर चलाती थी और मैं अपने पापा से काफ़ी जुड़ी हुई थी और अचानक मेरे पापा की 2011 में मृत्यु हो गई और मुझे काफ़ी सदमा लगा था। उस बीच मैं यहाँ से छत्तीसगढ़ थी जहाँ मैं नक्सलियों में फंस गई थी, तो वो भी एक सदमा मेरे साथ था, तो उस सदमे से मैं बाहर ही नहीं निकल पा रही थी और अचानक मेरे साथ कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि कई लोगों ने मेरे अपने थे फ्रेंड सर्कल में बाहर वाले सभी ने मेरे से एक रिश्ता तोड़ लिया, मुझसे कोई बात नहीं करता था,
मुझसे कोई मिलता नहीं था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है, लोग मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं, तो मैं समझ ही नहीं पाई। और जब मुझे पता चला तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई कि मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं, तो ये सब क्या हो गया। और अचानक वो मेरे दिमाग दिलो दिमाग पे इतना छा चुका था कि उसमें मुझे माइनर अटैक आ गया और मैं और ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। और मुझे उस समय ऐसा लगा कि या तो जीवन ख़त्म हो जाए या तो मैं यहाँ से सब छोड़ छाड़ के चली जाऊँ। पर मेरे हस्बैंड ने मुझे मना किया कि हम क्यों जाए भाई, हमने कुछ गलत नहीं किया है। और वो हमेशा मेरा आत्मविश्वास बन के मेरे साथ खड़े रहे, मेरी ढाल बने। और उसी वक्त मेरा एक परम मित्र है संदेश जैन, जिसने मुझे गायत्री परिवार से जोड़ा और मैं गायत्री परिवार से जुड़ के योग की शिक्षा से जुड़ी। और आज मैं जो भी एक योग ने मुझे सिर्फ मेरे अंदर मेरे मन को शांत नहीं किया बल्कि मेरे विचारों में भी सकारात्मकता लाया है, मेरे अंदर एक आत्मबल को जगाया है और कुछ कर दिखाने की इच्छा शक्ति को भी प्रबल किया है। और वही इच्छा शक्ति ने आज मुझे आपके सामने खड़ा किया है। चलिए, आपकी कहानी भी काफ़ी समाज के लिए, खासतौर उन महिलाओं के लिए जो अपने आप को एक अकेला महसूस करती है और अपने आप को इस जहान से ही बल्कि इस दुनिया से अलग करने की कोशिश करती है, उनके लिए एक प्रेरणा की दायक आपकी कहानी है। लेकिन हमारे साथ में जुड़ी है दीपिका सोनी जी, इनसे हम बात करेंगे। मैम, आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि हमने दोनों से बात की है, उनकी कहानी में कहीं ना कहीं एक सीख है। आप अपने बारे में बताइए कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या यू टर्न आया है और किस तरीके से आप एक डी बोल सकते हैं मोटिवेशन में आप चली गई थी। जी दीपिका जी, जैसा कि आपको मैंने बताया कि शुरुआत थी मेरी पीजी में से हुई, लेकिन पीजी में स्टार्टिंग में जो मुझे इतना हार्मोन सोर्स नहीं मिल पा रहा था और एक जो जुनून आया था वो किसने काम लेकर के आया था कि एक बार मेरे भैया को स्कूल में खेल दिया गया कि अगर आपकी इतनी फीस इस तारीख में नहीं मिली जाएगी तो आपको एग्जाम में नहीं मिला। और यही कंडीशंस मेरे बेटे के साथ भी हुई थी, उसको बस में नहीं बिठाया गया था कि आप उधर जाओ, आपके पापा को कहो कि वो पहले फीस भरे और फिर हम आपको लेकर के जाएंगे, फिर इस पर मना किया। बस वो दिन था और आज का दिन है कि ऊपर वाले का वो साथ रहा है कि वो कंडीशन कभी दोबारा से दोहराने नहीं पड़ी है। तो बस वही एक रोल था कि मेरे बच्चों को कोई ऐसा कैसे बोल सकता है, हालात तो कहीं ना कहीं शायद मेरी तरफ से सही नहीं हुई क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने जो सपोर्ट किया, जो हमारी परवरिश करी, हमने हालात को भी ऐसे फेस नहीं करे। तो हम मैंने नहीं चाहा कभी कि मेरे बच्चे के ऐसे हालात फेस करे और ऊपर वाले जैसे उनके पास दोनों ही बच्चे मेरे इतने सपोर्टेबल हैं कि आज मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं आपके सामने बैठी हूँ तो पेरेंट्स का सपोर्ट होता है बच्चों के पीछे, लोग कहते हैं, लेकिन आज मैं अगर यहाँ हूँ तो मेरे बच्चों का सपोर्ट है कि मैं यहाँ बैठी हूँ। कभी मेरे हालात बिगड़े भी हैं तो मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। एक बच्चा मेरा टिफिन भर रहा होता था तो दूसरा मेरी गुड़िया सब्जी काटने लगती थी तो मैं खाना बनाती थी क्योंकि हस्बैंड घर पर होते नहीं थे। वो अभी भी अगर मैं आज की बात करूँ तो वो काफ़ी समस्या से करते हैं। यही हालात एक और मोटिवेशन देने के लिए बने कि बेटे का मुझे फॉर्म भरना था नवोदय के लिए, पर वो नहीं भर पा रही थी। रीज़न ये था कि हस्बैंड का जो नंबर था उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया और अगर वो फॉर्म नहीं भरता होता तो आज मेरा बच्चा जो नवोदय में पढ़ रहा है वो नहीं पढ़ रहा होता। उस वक्त भी मैं अपने नोडल ऑफिसर के पास बैठ कर बहुत अफसोस कर रही थी कि मान मैं इतनी हेल्पलेस हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। फिर वो मेरा अपने साथ में और फिर वो फॉर्म जो नहीं भर सकता था क्योंकि OTP जिस पे आता है उसे वो बैंक साथ हाँ, तो बिना OTP के तो आप फॉर्म ही नहीं भर सकते। बट वहाँ मेरा एक फिर जो सपोर्ट ऊपर वाले के जरिए मुझे मिला कि घर गया वो निवासी प्रमाण पत्र से, आज दोनों बच्चे मेरे बहुत अच्छी जगह पर हैं, नवोदय में पढ़ रहे हैं और बेटिया मेरी एक बार में है और बेटा उनका सर भी है। अब थोड़ा सा उनकी तरफ से मुझे मेरी बात मेरे संघर्ष की तो संघर्ष नहीं, तो अब तो ऐसा लगने लगा है कि बहुत अच्छा जीवन है। जो पुराना पिछला था वो तो शायद भूल ही गए थे कि कभी ये टाइम भी था कि 5 रुपये नहीं थे बच्चों को गोला दिलाने के लिए क्योंकि बड़ी मम्मी डेली भेजती थी कि जाओ बैठा ले आओ, मेरे ही सामने से जाते थे। ये सबसे बड़ा दुख का विषय था मेरे कि मैं अपने बच्चों को 5 रुपये का गोला नहीं देता ना, तो फीस का भी इशूज हुआ, कभी चीज़ों का इशू हुआ, बस हार नहीं किया बच्चों को इस तरह का कोई भी समय नहीं देखने लगे। फिजिकली बात करूँ तो मेरे 5 ऑपरेशन हो चुके हैं, मुझे सारे डॉक्टर्स बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि ये नहीं करना है पर मैं सारा काम करती हूँ क्योंकि मार्शल आर्ट ट्रेनर हूँ मैं। मुझे किक भी चलाना है, सब कुछ करना है, बाइक भी चलाना है, एवरीडे 60 मिनिमम बोल रही हूँ, 60 किलोमीटर मुझे गाड़ी चलाना ही चलाना है क्योंकि मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम करती हूँ तो मुझे जीरी या जो भी आसपास का मिल रहा है मेरा एरिया मुझे मिला है तो सारा कवर करना। अच्छा, इसके पीछे मुझे बच्चों से जो पॉजिटिविटी मिलती है, जब मैं लड़कियों को ट्रेनिंग देती हूँ तो उनमें जो मैं
विदिन वन वीक में जो चेंजेस देखती हूँ वो मुझे और ज्यादा मोटिवेट करती है कि ऑफकोर्स में मुझे वो लड़कियाँ ना सहमी सहमी सी खड़ी नजर आती है। जब मैं उनको एक अपनापन देख करके एक कोच के अलावा मैं उनकी ऐसे मैं उनको ये समझाती हूँ कि मैं आपकी माँ के जैसे उसी एज की भी हूँ तो आप भी रहेंगे उससे कुछ शेयर कर सकते हैं और जो भी अच्छे से पूछ सकते हैं। तो मेरा उनका कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा होता है कि मेरी क्लास शुरू कब होती है और खत्म कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो उनसे भी मुझे एक कोऑर्डिनेशन मिलता है। बहुत जगह पर हारे हूँ। एक समय था कि गुड़िया बोले मम्मा सेम लेना है तो मेरे जेब में 60 रुपये थे। मैंने कहा दो ऑप्शन है बेटा, या तो आप ऑर्डर से चलो या तो ये ले लो। तो गुड़िया ने हमारी ऑटो भी मतलब पैदल चलना भी स्वीकार लिया। तो बच्चों का सपोर्ट ऊपर वाले का आशीर्वाद। जहाँ मैं काम कर रही हूँ जैसे एक फिफ्थ डायमेंशन एकेडमी जब मेरी मैथिल आई जिसमें मुझे पूरा मोहनपुर डिस्ट्रिक्ट दिया वहाँ से मेरा मार्शल आर्ट ट्रेनिंग का जो सिलसिला था वो काफ़ी अच्छे से चला। और पहले मुझे खुद को स्कूल जाना पड़ता था अपना काम देने के लिए पर आज एक कंडीशन है कि इवन मिस्ट्री सर भी मुझे फुटबॉल करके अपना समर कैंप के लिए अपॉइंट करते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी सफलता है, बहुत खुशी का विषय है। और बहुत सारे हालात हैं जैसे मैं लड़ी हूँ